ये है 2024 की सबसे चर्चित कावड़, जिसका वजन है 121 किलो, जिसे देखने के लिए यहाँ पर जो है भारी भीड़ आई हुई है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं किस तरह की ये कावड़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ विशाल। कावड़ यात्रा की एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं उधर श्रीनगर आज किस वीडियो में आप देखेंगे, जितनी भी झांकी, जितनी भी कावड़ जो है मुजफ्फरनगर पहुंचेगी, मुजफ्फरनगर सिटी चौक पहुंचेगी, वो तमाम झांकी और कावड़ आप जो है इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक डीजे सेटअप पहुंचा है, जो कि बड़ा डीजे सेटअप है, और अभी जो यहाँ पर जो है बड़े जो डीजे सेटअप होते हैं वो भी जो है मुजफ्फरनगर सिटी चौक पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ से किस तरह का माहौल है, और यहाँ पर जो एक से एक जो यहाँ पर जो है कावड़ आ रही है, लाइट वाली कावड़ है, जो है फूलों वाली कावड़ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक झांकी आई हुई है, जहाँ पर जो है भोली भोले का डांस चला है। ये आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक और जो है मंदिर वाली कावड़ आई है, ये आप देखिए किस तरह की मंदिर वाली कावड़ है, बड़ी सुंदर है। आप देखिए व्हाइट कलर है, और शिव चौक के सामने आप देखिए किस तरह की जो कावड़ है दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस कावड़ को जो है मंदिर वाली कावड़ है इसे सम्मानित भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरों में। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ किस तरह की कावड़ दिखती है। बाकी आप देख सकते हैं जो भोले हैं इनके अंदर कितना उत्साह है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, भोले जो हैं कितने खुश हैं यहाँ पहुँचकर। ये आप देखिए कितनी रंग बिरंगी जो है इस पर लाइट लगी हुई है कावड़ के ऊपर, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ भी। और थोड़ा मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको जो है बाबा भोलेनाथ दिखाई दे रहे होंगे, शिवलिंग भी वहाँ पर है, आप देखिए छोटा सा अंदर। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बहुत सुंदर कावड़, देखिए लाइटिंग वाली कावड़ कितनी कमाल की, कितनी सुंदर है। बाबा भोलेनाथ हैं, पार्वती जी हैं, नंदी जी हैं, बहुत ही खूबसूरत कावड़ है। आप देखिए किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कावड़ है। देखिए भोले हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी यहाँ पर जो है पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर सिटी चौक पर अपनी कावड़ लेकर, और यहाँ से अभी जो है परिक्रमा करने के बाद में जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कावड़ देखिए, जो उसकी लाइट है किस तरह से जो है जल बुझ हो रही है, एक तरह से बहुत अच्छी लग रही है कावड़। और पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो भोले हैं वो आ रहे हैं। देखिए पूरा जो है यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है फूलों की, और पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने से एक और जो है कावड़ आ रही है, बहुत ही सुंदर कावड़ है फूलों से सजी हुई, और जो है भोलेनाथ जी की एक विशाल मूर्ति है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शिवलिंग है, और बहुत ही सुंदर ये कावड़ है। देखिए फूलों से किस तरह से जो है इस कावड़ को सजाया गया है, और पीछे भी यहाँ पर जो है बाबा भोलेनाथ की एक और कावड़ है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो भोले हैं वो मुजफ्फरनगर सिटी चौक की परिक्रमा करने के बाद में आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह का भी नज़ारा है। देखिए कितनी भीड़ जो है वहाँ पर जुटी हुई है, कितने जो भोले हैं संख्या में आ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे अब जो है जल का टाइम आ रहा है, 2 तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है भोलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं ये जो भोले हैं जो है आ चुके हैं सिटी चौक की परिक्रमा करने के बाद में। ये आप देख सकते हैं ये जो है सिरवाली कावड़े बाबा भोलेनाथ की, और जो पीछे हैं त्रिशूल लगे हुए हैं, और बराबर में जो है फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और जो है बहुत सुंदर कावड़ यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस कावड़ की जो है ना जो लाइट है वो बड़ी ही मनमोहक है, देखिए कितनी सुंदर ये कावड़ है। और ये जो भोले हैं आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कावड़ को सजाने के बाद में जो है लाए हैं, बहुत ही सुंदर ये कावड़ है। देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है इस कावड़ की जो है आप लाइट भी देखिए, और किस तरह से जो भोले हैं डांस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है मुजफ्फरनगर सिटी चौक का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भीड़ भी जुटना शुरू हो चुकी है, और थोड़ा पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का नज़ारा है, किस तरह से इस कावड़ को तैयार किया गया है। पीछे जो है मोर के पंख लगे हैं, कई तरह के जो है रंग बिरंगे कपड़े लगे हैं, कई रंग बिरंगी जो है लाइट लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं जो भोले हैं किस तरह से जो है डांस कर रहे हैं, ये नज़ारा है अभी मुजफ्फरनगर सिटी चौक का। ये आप देखिए किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है मुजफ्फरनगर सिटी चौक पर, अभी देखिए तो बहुत ही सुंदर जो प्रस्तुति है ये भोले दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का भी यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है, किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोग हैं, जो भोले हैं, जो दर्शक हैं, वो जुटना शुरू हो चुके हैं, ये आप देखिए। और पीछे जो कावड़ है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब चलते हुए तो कावड़ और भी सुंदर दिखाई दे रही है, देख लो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, पूरी जो है चमक मार रही है कावड़ में। आप देख लो ऊपर भी जो सामने की तरफ भी जो है ना रंग बिरंगे जो है कपड़े लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, और नीचे से ऊपर तक जो है कावड़ बहुत सुंदर है। देखो किस तरह से सजाया गया है इस कावड़ को, देखिए कितनी सुंदर कावड़ है, बहुत ही सुंदर लाइट आप देखिए कितनी जो है जबरदस्त है इस कावड़ की, बहुत ही सुंदर कावड़ ये दिखाई दे रही है। और पीछे तक जो है इस तरह से जो है यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं जो भोले हैं अपने जो है ट्रैक्टर पर आए हुए हैं, या आप नाम पढ़ सकते हैं जो भोले हैं कहाँ के रहने वाले हैं।
ये आप देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं मुजफ्फरनगर शिव चौक के। और यहाँ पर आप देखिए जो भोला है ये किस तरह से जो है खुश है, यहाँ आकर मुजफ्फरनगर शिव चौक पहुँच कर कितने खुश हैं, देख सकते हैं किस तरह से अपनी कावड़ को जो है ये घुमा रहे हैं। इनकी जो है भारी कावड़ है, आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ की कितनी खूबसूरत कावड़ है। इसकी आप लाइटिंग देखिए, इसकी आप जो है डिज़ाइन देखिए, और जो है इसको फूलों से सजाया गया है। और बाबा भोलेनाथ की एक विशाल मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं जो भोले हैं अपने ट्रैक्टर के माध्यम से आए हुए हैं। ये देख सकते हैं मुजफ्फरनगर शिव चौक का नज़ारा है। और अभी तो और भी बहुत सारी जो है कावड़ है, पीछे लाइन लगी हुई है कावड़ों की, इसी तरह की कावड़ मैं आपको और आगे भी दिखाऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक बड़ा सा शिवलिंग है बाबा भोलेनाथ, एक विशाल मूर्ति है बाबा भोलेनाथ की, और लाइटिंग भी आप इसकी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी कावड़ है, एक से बढ़कर एक कावड़ आज आपको देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जितने भी वीडियो हम डाले उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है इस समय मुजफ्फरनगर शिव चौक का, एक से बढ़कर एक जो कावड़ है यहाँ पर आई हुई है। आप पीछे ही देखिए यहाँ पर एक और जो है विशाल कावड़ जो यहाँ पर पहुँच चुकी है, ये आप देख सकते हैं कावड़ के ऊपर लिखा है ओम नमः शिवाय। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो रंग है यानी कि व्हाइट कलर जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुजफ्फरनगर शिव चौक पर तो और खूबसूरत दिखाई देती है कावड़, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रंग बिरंगी जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक पर लाइट लगी हुई है। बाकी देख सकते हैं आप जो है कितनी खूबसूरत कावड़ है, किस तरह का नज़ारा है, यहाँ पर जो है पूरी भीड़ है। और बाकी आप इस भोले को देखिए किस तरह से जो है अपने कलश हैं जिसमें जल है, गंगा जल है, पवित्र जल है, किस तरह से जो भोला है अपने जो कलश को है घुमा रहा है, ये देख सकते हैं कितना खुशी का माहौल जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक पर बना हुआ है, एकदम जो है यहाँ पर मेला लगा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कावड़ है, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कावड़ है। अभी जो है ना मुजफ्फरनगर शिव चौक पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये कावड़ भी जो है बड़ी कमाल की है। इसके आप रंग देखिए, ऊपर जो है यहाँ पर हंस लगे हुए हैं, और पीछे जो है उनके पंख हैं, तीन तीन हंस हैं, और बाकी जो इसका डिज़ाइन है वो भी जो है बहुत खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर शिव चौक पर एक और बहुत खूबसूरत कावड़ जो है पहुँच चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कावड़ है। आज तो जो है पीछे तक जो है लाइन लगी हुई है कावड़ों की, बाकी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर जो है भीड़ भी है। और बाकी आप देख सकते हैं जिस कावड़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो कावड़ मुजफ्फरनगर शिव चौक पर आ चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत ये कावड़ है, इसका वजन 121 किलो है, चांदी की ये कावड़ है, बहुत ही खूबसूरत कावड़ है। ये भोले दिल्ली के हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, अभी मुजफ्फरनगर शिव चौक की परिक्रमा कर रहे हैं। एक बार मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा जब ये भोले मुजफ्फरनगर शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो जो है आपको ये कावड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कावड़ है जो कि भोले हैं मुजफ्फरनगर शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूर से ही जो है इस कावड़ में जो है चमक लग रही है, देख लो चमक कितनी जो है चमक रही है कावड़, एक तरह से देख सकते हैं लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत ये कावड़ है। और जो फूलों के द्वारा इस कावड़ को सजाया गया है, देख लो कितनी खूबसूरत ये कावड़ है, 121 किलो उसका वजन है कावड़ का। आप देख सकते हैं भोले किस तरह से जो है ले जा रहे हैं, भारी भरकम कावड़ है जो है, इसमें कई सारे भोले जो है 9-10 भोले जो है लगे हुए हैं इस कावड़ को उठाने में, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कावड़ है। और भी जो है यहाँ पर आपको रंग बिरंगी कावड़ जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक पर देखने को मिलेगी, देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पर एक और खूबसूरत कावड़ है जो कि मुजफ्फरनगर शिव चौक पर पहुंची है, ये आप देख लो कितनी खूबसूरत की कावड़ है। यानी कि एक से बढ़कर एक कावड़ जो है आज आपको मुजफ्फरनगर शिव चौक पर देखने को मिलेगी। और जो भोले हैं वो भी यहाँ पर जो है लगातार आ रहे हैं अपनी जो है वाहनों के माध्यम से। एक और बहुत ही सुंदर कावड़ जो है यहाँ पर पहुंची हुई है मुजफ्फरनगर शिव चौक पर, आप नज़ारा देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कावड़ है, और किस तरह से जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक पर यहाँ पर सजाया गया है, बहुत ही सुंदर कावड़ है। और इन भोलों को आप देखिए कितनी मस्ती में जो है ये मग्न हैं भोले, इनकी कावड़ भी जो है बहुत खूबसूरत है। बाकी आप देख सकते हैं जो परिक्रमा करने के बाद में यहाँ पर जो एक और सुंदर कावड़ आ रही है, देखिए बाबा भोलेनाथ की विशाल मूर्ति किस तरह की कावड़ है, बहुत ही सुंदर है। ये भोले जो है काफ़ी दूर जाएंगे तो इसलिए थोड़ा जल्दी में है। बाकी पीछे से आप देख सकते हैं एक और जो है विशाल कावड़ आई हुई है, ये देख सकते हैं झूला कावड़ है, बहुत ही विशाल कावड़ है, भारी भरकम जो है इसमें वजन है। और अभी देखिए जो भोले हैं परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है भोले आए हुए हैं। और पीछे से आप देख सकते हैं एक और जो है बाबा भोलेनाथ जी की जो है कावड़ आ रही है, पीछे से आप देखिए मतलब ये बाइक पे हैं भोले, ये आप देख सकते हैं मतलब जो है छोटे वाहन पर हैं, और जो है विशाल कावड़ है इनकी भी। आप देखिए जो बाबा भोलेनाथ जी की विशाल मूर्ति है, ऊपर आप देखिए किस तरह से जो है त्रिशूल लगा हुआ है, नंदी भी है सामने भी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से भी चलकर जो है, क्योंकि सामने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो थोड़ा मैं देखो सामने से देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो नंदी जी अभी ये भोले जो है परिक्रमा कर रहे हैं, तो जैसे ये परिक्रमा करने के बाद में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सामने से नंदी जी किस तरह से हैं, त्रिशूल लगा हुआ है, और ये जो है अपने जो है बाइक पर आए हुए हैं, देख लो ये भोले जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक पहुंचकर बेहद खुश हैं। आप देख सकते हैं इनकी खुशी का कोई जो है ठिकाना नहीं है, बाकी आप देख ही सकते हैं। और इन्होंने जो है अपने नंदी जी हैं इन्हें भी सजाया है लाइट के माध्यम से, बाकी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कावड़ है, छोटी कावड़ है, विशाल कावड़ है, और जो है अपने जो है बाइक पर ये भोले हैं आए हुए हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाकी पीछे से जहाँ पर जो एक और कावड़ पहुँच चुकी है, आप देखिए कितनी खूबसूरत ये कावड़ है जो कि पहुँची है लाइट वाली कावड़, और जो है विशाल विशाल कावड़ इस बार जो है 2024 कावड़ यात्रा में आ रही है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो है दर्शक आते हैं, देखने वाले आते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने जो उनके
कांवड़िए होते हैं, जो भोले होते हैं, जो उनके घर से जल लेने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर दर्शक पहुँच रहे हैं वो कांवड़ देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है, एक और यहाँ पर जो खूबसूरत कांवड़ पहुँची है, और आप देखिए जो यहाँ पर एक और विशाल कांवड़ आ रही है, इस तरह से जो है मुजफ्फरनगर श्री चौक की परिक्रमा करने के बाद में देखिए जो है ऊपर जो है महाकाल जी हैं, मोर के पंख लगे हुए हैं, और भी कई तरीके से जो है इस कांवड़ को सजाया गया है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम झांकियां कांवड़ दिखाई जो कि मुजफ्फरनगर पहुंची। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप देख पाए।